हाल ही में असम में एक इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया वह बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। निहत्ते और बेबस लोगों पर अकारण पुलिस द्वारा सीधी फायरिंग कर कुछ लोगों को जान से मार दिया गया। पुलिस द्वारा निहत्ते और बेबस लोगों पर यह जालिमाना कार्यवाही सरकार व सरकारी तंत्र के अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, जो देश की लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है तथा मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन है। मुस्लिम लीग असम सरकार असम पुलिस के इस व्यवहार की सख्त निंदा करती है और मांग करती है कि असम पुलिस द्वारा इस कार्यवाही में शहीद होने वाले अन्य प्रभावित लोगों को भरपूर मुआवजा दिया जाए। इस कार्यवाही में दोषी असम पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में कोशर हयात खां, इशरत हुसैन, मोहम्मद इसरार आलम, मोहम्मद इमरान, नाजिम अंसारी आदि लोग मौजूद थे। क्या पद है आपका? मेरा नाम कौशर हयात और मैं राष्ट्रीय। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस किन किन हमारा ज्ञापन जो है ये हमारा प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है, हर जिले में, हर स्टेट के अंदर, और ये खास तौर से सरकार की जो मुस्लिम विरोधी मानसिकता के तहत मुस्लिम विरोधी अभियान चल रहा है हम उसके खिलाफ है। अभी पिछले हफ्ते असम के अंदर अवैध कब्जे को हटाने के नाम पर वहाँ जिस तरह की बर्बरता की गई, जुल्म ज्यादती की गई और निहत्ते लोगों पर सीधी फायरिंग की गई और मरने वाले के ऊपर बाकायदा जूतों समेत कूदा गया, उसकी लाश पर कूदा गया, उसको डंडे मारे गए, उसको ठोकर मारी गई, ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस वालों ने किया और ये इसका बाकायदा वीडियो बना और ये वीडियो पूरा वायरल हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं ये दर्शाती हैं कि मुस्लिम विरोधी मानसिकता के तहत जो मुस्लिम विरोधी अभियान चल रहा है उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार उसे चला रही है और सरकार जानबूझकर ये चीज़ें वायरल करके दिखा रही है सबको कि हम मुसलमानों के साथ ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। इसी तरह अब यूपी और दिल्ली के अंदर ये अभियान चल रहा है अवैध धर्मांतरण के नाम पर। अभी तक ये पता नहीं चला कि अवैध धर्मांतरण किसे कहते हैं, ना सरकार ने उसकी कोई परिभाषा दी है, ना किसी अदालत ने उसकी कोई परिभाषा दी है। अरे धर्मांतरण होता है, मेरे पास कोई आदमी आता है कि साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान करूँगा उसे, वाई नॉट, क्यों नहीं करूँगा। एक आदमी अपनी खुशी से अगर मुसलमान होना चाहता है तो कोई सरकार उसे नहीं रोक सकती और वो अवैध नहीं है। ये अगर है तो आप इसका मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं कि आप यहाँ पर यहाँ के रहने वालों को आज़ादी नहीं देना चाहते, धार्मिक आज़ादी आप सल्ब कर देना चाहते हैं, धार्मिक आज़ादी ख़त्म कर देना चाहते हैं आप यहाँ पर। ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमान विरोधी एक अभियान पूरे मुल्क में चल रहा है जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उसके लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, ATS का इस्तेमाल हो रहा है, प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम वार्निंग दे देना चाहते हैं सरकार को कि अगर सरकार ने ये मुस्लिम विरोधी अभियान नहीं छोड़ा तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे सरकार को और क्या नाम उसके मानने वालों को भुगतने पड़ेंगे। हम देश के हित में, देश के फायदे में, देश में अमन अमान कायम करने के लिए हम ये मांग करते हैं कि इस अभियान से वो बाज आए, इस अभियान को छोड़े और सबके साथ बराबर इंसाफ करे। जो मजलूम है उनके साथ पहली फुर्सत में इंसाफ किया जाए, उन्हें सबको इंसाफ दिया जाए और सबको बराबर की नज़र से देखा जाए। क्या कहते हैं कि इस तरह की जो वीडियो वायरल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की छवि होती है? इंटरनेशनल आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि